तो जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उन्हें रूलर्स और मोनाक्स का तो जरूर पता लग गया होगा लेकिन क्या आप लोग इन आठ को जानते होंगे मतलब तो तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आठों मोनाक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स भरे पड़े हैं तो भैया स्पॉयलर्स नहीं चाहिए तो वीडियो को यही पे बंद कर दो तो पहले मोनाक्स जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है योगमुंट। योगमुंट को ऑफ़ ट्रांसफिगरेशन या फिर किंग ऑफ डिमोनिक स्पेक्टर्स भी हम कह सकते हैं अब योगमुंड के बारे में हमें मानवा में ज्यादा बताया तो नहीं गया है हाँ लेकिन इतना जरूर पता है कि भैया योगमुंड इंसानों को बहुत ही नीच और तुक नजरों से देखता था मतलब उसके हिसाब से हम इंसान बहुत ही कमजोर हैं, बेकार हैं। इनफैक्ट योग के अंदर बहुत ज्यादा अहंकार भरा हुआ था लेकिन भैया वो वो चालाक भी था था क्योंकि उसे पता था कि वो जितना पावरफुल नहीं है उसकी चालाकी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब मोनार्क वॉर आर्क के दौरान अपना जो फ्रॉस्ट मोनाक था वो सभी मोनाक से कहता है की भैया हम लोग मिल के जिनवू से लड़ते हैं लेकिन यहाँ पे अपना योग भैया सीधा मना कर देता है की मैं नहीं जाएगा उससे लड़ने उसे पता था कि जिनवू को बिना तो। आंतरस की मदद से हरा पाना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है अब आप पूछोगे आंतरस कौन है well, इसी वीडियो में बताऊंगा बने रहो अब अगली मुनाक जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है को मतलब पता नहीं प्रोनाउंसिएशन कैसा है बट स्पेलिंग है क्यू यू आर ई एच एस एच ए कुरेसा को मोनाक ऑफ प्लेग्स एंड क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स भी कहा जाता है अब इसकी भोली एंड कोर्स ये क्वीन ऑफ इंसेक्ट्स है तो इसकी आर्मी में कीड़े मकोड़े होंगे लेकिन बड़े बड़े और पावरफुल वाले मुनाक्स वॉर आर्क के दौरान कोरेसा फ्रॉस जॉय और राकन के साथ मिलकर अपने जिनवू पे हमला की थी लेकिन यहाँ वो बेरो से काइंड ऑफ़ डिस्ट्रैक्ट हुई क्योंकि ऑफ़ एक इंसेक्ट हुआ करता था और वो बेरू को अपने विल के हिसाब से बेंड करने की कोशिश में लग गई इसी का फायदा उठा के अपना जिनवू वो कुरेशा को

मुनाक के पास कुछ चीजें कॉमन तो होती ही हैं जैसे कि स्ट्रेंथ स्पीड ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ इसका इतना है कि वो अपने, अपने अगले मुनाक की ओर जिसका नाम है लेगिया लेगिया को मुनाक ऑफ द बिगिनिंग या फिर किंग ऑफ जाइंट भी कहा जाता है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था की एबसोल्यूट बींग मरने के बाद रूलर्स ने

ये लोग ऑर्गेनिक फॉर्म में नहीं होते हैं जी हाँ ये लोग ऑर्गेनिक नहीं है और ये लोग हाई स्पिरिचुअल जिनका एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता इसलिए गया एंड फॉर दैट मैटर एनी मुनाक उनका शेडो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो लोग हाईअर बींग है ऑर्गेनिक बींग नहीं है तो अब ये सवाल बार बार मुझसे मत पूछना मैंने आंसर कर दिया वैसे उसका नाम लेगिया है लेगा ही है यही होगा शायद मूविंग ऑन अगला मोनार्क है टारैक टारैक को किंग ऑफ मॉन्स्टर्स ह्यूमनोइड या फिर मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी भी कहा जाता है टारनेक भी ह्यूमन को नीच मानता है इनफैक्ट वो तो ये तक कहता है कि जिनवू भी डिजर्व नहीं करता शेडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करने का ऑल तो टारनेक को इतना जरूर पता है कि भैया वो अकेले जिनवू से नहीं भिड़ सकता इसलिए तो भैया वो भी फ्रॉस्ट मोनार्क को ज्वाइन नहीं किया था जिनवू के खिलाफ फाइनल बैटल में टारनेक थॉमस आंध्र से लड़ने गया था लेकिन यहाँ थॉमस थॉमस आंद्रे और जिनवू मिलकर कुछ मस्त प्लान बनाए थे बेसिकली थॉमस के शेडो में से निकलते हैं बिलियन एंड बेरू एंड देन ये तीनों मिलकर टारना को पेल देते हैं अब आप पूछोगे कि भैया ये थॉमस कौन है वेल well, ये एक अमेरिकन नेशनल लेवल हंटर है नेशनल लेवल बोले तो एस रैंक से भी ऊपर और वो नेशनल लेवल कैसे बने इसके पीछे एक पूरी थियोरी है कहानी है किसी और वीडियो में वैसे आने वाली वीडियोस में से एक वीडियो टॉप हंटर्स पे भी होने वाली है तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो खैर अब अगला मुनार्क है फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट मुनाक मुनाक जिसे किंग ऑफ स्नोफोक के नाम से भी जाना जाता है है थोड़ा सा है, तभी तो इसके अंदर जिनवू को मारने की सबसे ज्यादा चुल मची थी वो रकन और खोडा के साथ मिलकर जिनवू पे हमला किया भी था इस लड़ाई में काफी कुछ हुआ था लेकिन ब्रीफली ये जान लो कि यहाँ जिनवू के पिता आते हैं जो की उसकी मदद करते हैं एंड फाइनली एज वी एक्सपेक्टेड

वॉर के अंदर फ्रॉस्ट मोनाक हारने लग गया था तो राकन एक पोर्टल बना के वहां से भाग निकला ऑल अपना जिनवू उसको फॉलो किया एंड देन राकन जब जिनवू से वन ऑन वन आया तुरंत बाउ डाउन किया कि भैया अब हम दोनों हाथ मिला लेते हैं मैं आपसे नहीं लड़ेगा लेकिन अपना जिनमू बेवकूफ नहीं है छोड़ा नहीं वो राकन को सिर्फ चार हिट्स में खत्म कर दिया ना पास की बात की जाए तो स्पीड स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी ये सब तो रहेगा ही साथ ही राकन के पास है यानी कि वो चीजों को बिना छुए हिला सकता है स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन तो होता ही है इसके पास भी है साथ ही रीजनरेशन भी है अब सातवा मुनार्क है बर्न जिसे हम मुनाक ऑफ व्हाइट फ्लेम्स या फिर किंग ऑफ डीम भी कह सकते हैं

खोजना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो है ही इतना पावरफुल कैसे इम्पॉसिबल पावर। था।, था क्योंकि हम देखते हैं कि रूलर्स उसे मारते हैं दो चालीस या फिर कप ऑफ रीनकारनेशन हाँ दोनों नाम है उसका अलग अलग जगह अलग अलग ट्रांसलेशन है बोलना बंद करो कि उसका नाम कप ऑफ रीनकारनेशन है चालीस ऑफ रिबर्थ भी लिखा है कहीं कहीं लोग पीछे पड़ जाते हो यार कमिंग बैक टू टॉपिक हाँ उस जब कब का इस्तेमाल होके टाइम को पीछे किया गया था जिसके बाद जिन वो चला गया था 27 साल तक लड़ने के लिए तो वहां वो पावरफुल होके हो 27 साल तक अपना जिन वो

एक सेकंड में गला के खत्म कर देगा मतलब राख बना देगा राख भी नहीं वो भी जल जाएगा वो छोड़ो जिनव के, के आग से वो मरे तो वापस नहीं आएंगे आंतरस में मोस्ट पावरफुल मुनाक है तो ये थे मुनाक्स, और आप कि मुनाक तो नहीं वो भी तो मुनाक बन गया तो भैया उसको भी कवर करो अरे बताया था ना शैडो मुनाक के बारे में गॉड्स वाली वीडियो में सब कुछ फिर भी पूछ रहे हो हाँ चिन्हू की पावर्स जानना है तो उसमें बहुत सारे पावर्स हैं उसको एक सेपरेट वीडियो चाहिए होगा मोर ओवर यहाँ नहीं कर रहा क्योंकि रूलर्स के बारे में हमें ज्यादा बताया ही नहीं गया है लिटरली आठ में से छे का तो हम नाम तक नहीं जानते नाम तो ऐसे किसी का नहीं जानते उतना बट लिटरली उनका कुछ डिपिक्शन ही नहीं है वैसे रूलर्स के जो वेसल्स है यानी नेशनल लेवल हंटर्स उनके बारे में हमें ठीक ठाक बताया गया है सबके बारे में नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक नॉलेज काफी के बारे में है तो उसपे

I'll see you guys in the next one. Peace out.